सुदीवी और सज्जनों सभी का स्वागत है। यार मैं जानता हूँ तुम लोग बड़ी मार्ट इवेंट से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो कि इसमें जो है बहुत ही जल्दी एक नया बेहतरीन बंडल आएगा जिसे लेकर तुम लोग ऐसे पहन के घूमोगे ना तो बंदा बोलेगा भाई साहब बंडल हो तो ये, वरना ऐसे नंगे घूम लो। तो मेरे भाई यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत बंडल आएंगे बड़ी मार्ट इवेंट में आने वाले समय में, लेकिन वो बंडल इतने ज़्यादा रेयर नहीं होंगे। मैं जानता हूँ ये जान के तुम लोगों का दिल जो है चूर चूर हो गया है, तो मेरे भाई दिल को समेटो और बर्फ में फ्रिज में डाल दो और उसको फिर से जोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों को साथ में और भी कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो सबसे पहली बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि काफ़ी सारे रेयर रेयर बंडल जो है इस बड़ी मार्ट इवेंट में आने वाले हैं, तो यार उनमें से बहुत कम बंडल ही जो है ना वो बड़ी मार्ट इवेंट में आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सो देखो जितने भी यूट्यूबर्स वो लीक्स एंड अपडेट लाते हैं अदर सर्वर से, और अदर सर्वर में ये बंडल जो है चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं मैं बोला कि ये यूट्यूबर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो देखो जब भी कोई भी मतलब फ्री फायर इवेंट देती है ना बाहर के सर्वर में, तो यार ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो वैसा का वैसा इवेंट उठा के इंडिया में दे दे, लेकिन कई कई बार जो है फ्री फायर वाले उस इवेंट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किससे मतलब है, उन्हें है मतलब पैसे से। तो जिधर में उनको ज्यादा फायदा होगा, जिधर में उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, वो वही काम करेंगे। इसलिए भाई साहब वो कुछ बंडल ऐसे चेंज कर देते हैं कि जिनको बंदे जो है ज्यादा ना खरीदे, और ताकि वो बाद में कुछ रेयर बंडल जो है ना वो डायमंड वाले इवेंट में भेज दे और इधर के लोग टॉप अप कर करके उस बंडल को ले ले, और बाद में भाई साहब सभी के पास वो बंडल हो जाएगा और बाद में फ्री फायर वाले फ्री में भी वो बंडल दे देंगे, और इससे जो है फ्री फायर वालों का भी फायदा और भाई साहब इधर का मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग टॉप अप कर रहे हैं। सो देखो ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स गलत बोलते हैं मतलब कि यार बाहर के सर्वर में ये सभी रेयर रेयर बंडल्स आते हैं, और मेनली ज्यादा से चांसेस होते हैं कि वैसा का वैसा बंडल जो है इंडिया में भी सेम इवेंट में आ जाए, लेकिन कभी कभी फ्री फायर वाले जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस बंडल को अपन लोग डायमंड में भेजेंगे और जो इतना नॉर्मल बंडल है ना उसको इस इवेंट में दे देते हैं। इसलिए जो है डायमंड वाले इवेंट में आप लोगों को काफी बेहतरीन एनिमेशन वाले बंडल देखने को मिलते हैं। सो होप करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी भाई साहब जैसे अभी थोड़े टाइम के बाद अपडेट आएगा ना, अभी तुम लोग जानते हो फ्री में मैजिक क्यूब मिल रहा है, और थोड़े टाइम के बाद गेम में अपडेट आएगा जिसमें कि मैजिक क्यूब में बंडल भी चेंज होने वाले हैं और बड़ी मार्ट में आइटम्स जो है ना वो भी चेंज होने वाले हैं। अभी तक आइटम्स कन्फर्म नहीं हो रही और मैं तुम लोगों को कन्फर्म बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों के अगर मतलब यार तुम लोग को कन्फर्म बता दूं कि ये बंडल आने वाला है और बाद में अपडेट के बाद वो बंडल ना आए तो तुम लोगों के दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, जो मैं पहुँचाना नहीं चाहता मेरे भाई। इसलिए मैं तुम लोगों को कोई भी गारंटीड कन्फर्म बंडल नहीं बताऊंगा, और वैसे भी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि इसमें अभी आने वाले अपडेट में कौन सा बंडल आएगा, लेकिन हाँ इसमें आइटम जो है चेंज ज़रूर होंगी। सो होप करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी भाई साहब गेम वेम में कुछ नहीं रखा, क्रश वर्ष को पटाओ और पढ़ाई वढ़ाई करो और IAS VAS बनो और देश को संभालो, क्योंकि देश को आप जैसे नागरिकों की जरूरत है मेरे भाई।